माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, और इस वीडियो में हम बहुत ही खास क्वेश्चन करेंगे। ये खास क्वेश्चन जो है ये क्लास ट्वेल्थ की मैक्सिमा मिनिमा एक्सरसाइज से है, और एक्सरसाइज जो है वो मैंने ली है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, और क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नंबर है 31, एक्सरसाइज है 6.3, एंड व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट वी आर गिवन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्या दिया हुआ है। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, और इसके कैलकुलेशन को बहुत ही माइन्यूटली आपको चेक करना है ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इसका प्रोसीजर तो आप जानते हैं, मैक्सिमम मिनिमा का प्रोसीजर सिंपल है, पर जो कैलकुलेशन है, डिफरेंशिएशन है, जो क्रिटिकल वैल्यूज निकालना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसमें आपको बहुत माइन्यूट लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका लेवल भी आप समझ सकते हैं, ये जेई लेवल का प्रॉब्लम है, पर ये आपकी बुक का प्रॉब्लम है। तो व्हाट वी आर गिवन, लेट्स सी। इफ द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड अ स्फीयर इज कॉन्स्टेंट, मीन्स एक क्यूब और एक स्फीयर, तो क्यूब की हमने साइड ली है, एज की वैल्यू, एज ऑफ द क्यूब इज एक्स और रेडियस ऑफ द स्फीयर इज वाई, दीज थिंग्स वी हैव कंसीडर्ड, ये हमने दोनों ली हुई है। अब हमें दिया हुआ है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड दिस स्फीयर, सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड दिस स्फीयर, तो इस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज कॉन्स्टेंट। तो लेट्स से दैट कॉन्स्टेंट इज के, मान लेते हैं उस कॉन्स्टेंट को कि वो कॉन्स्टेंट के है। क्या दिया है आपको, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज कॉन्स्टेंट, मीन्स वी आर गिवन, व्हाट वी आर गिवन, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इज 6x स्क्वायर, क्योंकि लेंथ ऑफ एज इज एक्स वी हैव कंसिडर्ड, और इसका होता है आपको मालूम है 4π y² = k, एंड लेट दिस बी नंबर 1, मान लेते हैं इसे नंबर 1 है। अब हम देखें आगे की बात है कि द सम ऑफ देयर वॉल्यूम इज व्हाट मिनिमम, उनका जो वॉल्यूम का सम है, दोनों के वॉल्यूम्स का सम मिनिमम होगा, और फाइंड क्या करना है आपको, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एज ऑफ द क्यूब टू द डायमीटर ऑफ स्फीयर, मतलब हमें निकालना है एज एक्स डायमीटर 2y, इसका जो रेशियो है वो निकालना है, मतलब x/2y या x:2y, ऐसे कहें x:2y, इसकी वैल्यू निकालना है। तो अब क्वेश्चन जहाँ तक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या गिवन है आपको, तो आपको गिवन है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज कॉन्स्टेंट, और व्हाट इज टू बी मिनिमाइज, मिनिमाइज हमें करना है इसके इनके वॉल्यूम्स का सम। तो वॉल्यूम्स का सम क्या होता है, मैं अब इसको रब कर देता हूँ दोस्तों, वॉल्यूम्स का सम, तो वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये वी हमने लिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम सम ऑफ वॉल्यूम्स, सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ को क्यूब एंड स्फीयर। तो देखे सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब एंड स्फीयर, तो क्यूब का वॉल्यूम आपको मालूम है ये होता है एक्स क्यूब, क्योंकि एज एक्स है, और ये होगा आपका 4/3π y³। ये सब काम बिल्कुल आसान है। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तो एक वैल्यू x और y में से हम एलिमिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 1, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन दो वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में आपके कोर्स में नहीं होता, आपके कोर्स में एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो v इज इक्वल टू,
एक्स क्यूब, एक्स का वैल्यू इससे निकाल लें, तो आपको एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बहुत ध्यान से देखें आप, ये हो जाएगा आपके पास 6x² इज इक्वल टू के माइनस 4πy² फिर 6 को आप नीचे भेज दें और x का वैल्यू निकाल लें तो ऐसा हो जाएगा आपके पास x² इज इक्वल टू के माइनस 4πy² अपॉन 6। और हमें x का वैल्यू निकालना है तो हम ऐसे इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, प्लस माइनस में से प्लस लेंगे, क्यों, डिस्टेंस है x विच कैनॉट बी नेगेटिव, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है हमें कि x प्लस क्यों होगा और माइनस क्यों नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, अब x क्यूब ये यहाँ पर लिखा हुआ है x क्यूब, तो x का जो वो वैल्यू है, वो वैल्यू x का है k माइनस 4πy² डिवाइडेड बाय 6 होल टू द पावर 1/2, स्क्वायर रूट कैन बी रिटन एज होल टू द पावर 1/2 और उसकी पूरे की पावर है 3। तो ये आ गया आपका x का वैल्यू, कहाँ से निकाला हमने, विद द हेल्प ऑफ 1, प्लस 4/3πy³। ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाला है वो लिख दीजिए आप, वी हैव यूज्ड दिस वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1। अब हमें इसकी दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं होगी इसलिए मैं इनको रब कर देता हूँ, केवल हमें अब आवश्यकता होगी इस चीज़ की। तो ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है और जो आपको फाइंड करना है वो लिखा हुआ है कि आपको x:2y की वैल्यू निकालनी है। अब आप मेरे साथ साथ बने रहें, डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ध्यान दीजिए, ये है हमारे पास 1k/6 माइनस 4πy² 4πy² बाय 6 होल टू द पावर 3/2 प्लस 4/3πy³। क्लियर, ये बिल्कुल सेपरेट कर दिया ताकि आपको डिफरेंशिएशन वगैरह में दिक्कत नहीं आए, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में 6 रखना चाहते हैं इसलिए 4 से इसको कैंसिल करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अप टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तो इन दिस केस वी नीड टू मिनिमाइज वी फाइंड, क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल फाइंड dv/dy, क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट हैज़ बिकम y, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जब y का होगा तो dy/dx मत लिखिएगा गलती से, dv/dy। तो dv/dy में पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ध्यान से देखिए 3/2 k/6 माइनस 4πy² डिवाइडेड बाय 6 होल टू द पावर 1/2 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 4/3π, डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब इज व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब विल बी 3y² 3 and 3 कैन बी कैंसल्ड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई है इसमें, इसका डिफरेंशिएशन हमने नहीं किया इनर फंक्शन का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ dv/dy इज 3/2k/6 माइनस 4πy²/6 होल टू द पावर 3/2 माइनस 1/2। तो देखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y dv/dy 3/2 यहाँ आ गया होल टू द पावर 3/2 माइनस 1/2, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इनर फंक्शन का k/6 का 0 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 4/6πy², तो ये जाएगा 4/6π, डिफरेंशिएशन ऑफ y² डिफरेंशिएशन ऑफ y² इज 2y ब्रैकेट क्लोज प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन 4/3π, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस y³ विल बी 3y², जो भी आप कैंसिल करना चाहते हैं उसे हम कैंसिल कर देंगे, नॉट एन इश्यू। इसको आप चाहते हैं कि ये 6 इससे कैंसिल कर दें तो इससे कैंसिल कर दीजिए, 2, 3 जा 6, नॉट एन इश्यू, और ये 3 से ये 3 को कैंसिल कर दें, ये भी हो गया काम।
अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं लिखता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, डीवी बाय डीवाई को, और डीवी बाय डीवाई को उसके बाद हम इक्वेट करेंगे विद जीरो टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यू। तो ध्यान से बिल्कुल आप देखिएगा कि डीवी बाय डीवाई इज व्हाट। तो डीवी बाय डीवाई देखिएगा, 3/2 इंटू दिस मच, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो वो उधर लिख देता हूं मैं, तो वो वहां आने से हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, -4πy इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 3×4πy और डिवाइडेड बाय 2 इज ऑलरेडी देयर, तो 2×this 3 3, और ब्रैकेट विल हैव, ब्रैकेट में आएगा ये आपके पास k/6 -4πy² / 6 whole to the power 1/2 प्लस, ये जो वैल्यू है ये आएगी, ये वैल्यू है 4πy², ये वैल्यू है 4πy², दिस इज व्हाट, दिस इज डीवी बाय डीवाई। अब डीवी बाय डीवाई शुड बी इक्वेटेड विद व्हाट, तो डीवी बाय डीवाई को हम जीरो से इक्वेट करेंगे टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन कैन बी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स, वी शैल पुट डीवी बाय डीवाई इक्वल टू जीरो। तो डीवी बाय डीवाई की वैल्यू जीरो से इक्वेट करेंगे, तब तक आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो इसको कैंसिल कर दें, ये 3 से ये 3 कैंसिल कर दिया, 4πy लिखा है इसमें भी, इसमें भी 4πy², तो 4πy² हम कॉमन ले लेंगे, इसलिए इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो ध्यान से देखिए, डीवी बाय डीवाई इज इक्वल टू जीरो विल इंप्लाय -4πy/2 k/6 -4πy² / 6 whole to the power 1/2। इफ यू विश टू राइट इट एज स्क्वायर रूट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इवन यहां पे भी आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, प्लस 4πy² = 0। अब क्या करना है, अब काम बिल्कुल धीरे धीरे करते चलेंगे, बड़ी आसानी से होगा और आप बहुत अच्छा कर लेंगे। इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4πy² = 4πy/2 √k/6 -4πy² / 6। अब 4π से कैंसिल, y को y से कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज y इज नॉट जीरो, y इज नॉट जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो। y क्या चीज है, y बीइंग डिस्टेंस, y बीइंग रेडियस, ग्रेटर देन जीरो, तो y y कैन बी कैंसल्ड। अब इस 2 को उधर भेज देते हैं हम, देखिए तो क्या होने वाला है, जब इसे 2 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y = √k-4πy² / 6। अब आप समझ सकते हैं दोनों साइड का स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपका 4πy² = k-4πy² / 6। 6 को आप इधर भेज दीजिए, तो 6 इधर जब आएगा तो 6×4 हो जाएगा 24। इसमें कैलकुलेशन का दोस्तों बहुत ध्यान रखना है, छोटी सी भी गलती से, कोई भी छोटी गलती होगी तो फिर हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप इधर इसको ट्रांसफ़र कर दें, 24y² + 4πy² = k। अब इसमें वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 24 + 4πy² = k। अब वाई स्क्वायर का वैल्यू, तब वाई स्क्वायर का निकाल लेंगे, उसके बाद वाई का निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए,
इसकी हमें ज़रूरत होगी दोस्तों अभी, क्योंकि हम जब वेरीफाई करेंगे तो वी विल बी नीडिंग डी टू वी बाई डी वाई स्क्वायर। तो जब हमें डी टू वी बाई डी वाई स्क्वायर निकालना होगा तो इसकी ज़रूरत लगेगी, इसलिए मैं इसको रब नहीं करता। इसको आप ऐसे ही रहने दें, यहाँ पर ध्यान दें। अब वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया k अपॉन 24 प्लस 4 पाई। तो y की वैल्यू होगी आपकी प्लस माइनस अगेन, बट बीइंग डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको लिख दिया हमने रूट ओवर k अपॉन 24 प्लस 4 पाई, इट्स एनफ। यहाँ पर प्लस लिख दें, अगर आप चाहते भी हैं तो लिख सकते हैं, बिकॉज वाई इज ग्रेटर देन जीरो, वाई बींग डिस्टेंस, वाई बींग रेडियस इज ग्रेटर देन जीरो। सो इट वॉज ऑल अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करना है कि फंक्शन जो है वो मीन्स जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो टू वेरीफाई नाउ, टू वेरीफाई v इज मिनिमम, इस केस में हमें मिनिमम दिया हुआ है, तो टू वेरीफाई v इज मिनिमम वी नीड टू फाइंड डी टू वी बाय डी वाई स्क्वायर। हम डी टू वी बाय डी वाई स्क्वायर निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका डेरिवेटिव अब आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू पाई वाई, पर ध्यान दें ये इसको कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये हो गया माइनस टू पाई। अब यहाँ पर ध्यान दें आप, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि यहाँ दिस इंटू दिस है, तो डी डी वाई ऑफ वाई इंटू, आप चाहें तो अब इसको स्क्वायर रूट लिख दें, स्क्वायर रूट लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका के बाय सिक्स माइनस फोर पाई वाई स्क्वायर बाय सिक्स। और ये दोस्तों बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसकी वैल्यू मिनिमम है तो पॉजिटिव आएगी, और वो वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दिखाना है, आपको डायरेक्टली पॉजिटिव नहीं लिखना। प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डी डी वाई ऑफ दिस फोर पाई वाई स्क्वायर, ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको और इसमें क्लैरिटी आएगी। अब मैं इसे दोस्तों रब कर देता हूँ ताकि हमारे पास एक अच्छा स्पेस हो जाएगा, तो हम बहुत कुछ लिख पाएंगे। ये वैल्यू y का जो है वो वैल्यू इम्पॉर्टेंट है, तो इसे मैं ऐसे ही रख देता हूँ k अपॉन 24 प्लस 4 पाई, इसे हम यूज़ करेंगे, तो ये y की वैल्यू है। सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब तक आपने समझ लिया होगा कि क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, तो देखिएगा अब माइनस टू पाई एज इट इज ब्रैकेट डी डी वाई ऑफ दिस, तो वी शैल यूज प्रोडक्ट फार्मूला, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई विल बी वन, वन लिख दिया, रूट ओवर दैट इज कॉन्स्टेंट के बाय सिक्स माइनस फोर पाई वाई स्क्वायर बाय सिक्स, दैट इज कॉन्स्टेंट। प्लस अब देखिएगा दोस्तों, अब क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, अब वाई विल बी कॉन्स्टेंट और रूट का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन टू रूट के बाय सिक्स माइनस फोर पाई वाई स्क्वायर बाय सिक्स, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन के बाय सिक्स का क्या होगा, जीरो माइनस, तो इसका होगा डेरिवेटिव के बाय सिक्स का जीरो माइनस फोर पाई बाय सिक्स कॉन्स्टेंट, तो फोर पाई बाय सिक्स कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विल बी टू वाई, टू वाई ब्रैकेट क्लोज। ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इस पार्ट को, पूरे को कंप्लीटली, तो ये यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। प्लस नाउ डेरिवेटिव ऑफ दैट फोर पाई वाई स्क्वायर, तो फोर पाई कैन बी टेकन कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विल बी टू वाई, तो ये हो जाएगा हमारा एट पाई वाई, दिस विल बिकम प्लस एट पाई वाई, फोर पाई कॉन्स्टेंट कैन बी टेकन कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर टू वाई। अब अभी हम डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं रखते, पहले इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वाई की वैल्यू ये रख के हमें पॉजिटिव बताना होगा। तो दोस्तों देखिएगा, माइनस टू पाई ब्रैकेट, यहाँ
जो जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये टू है, इससे इसको कैंसिल कर दिया, टू को कैंसिल कर दिया। अब देखिएगा, अब इधर एलसीएम लूंगा तो ये स्क्वायर रूट इंटू दिस स्क्वायर रूट, सेम क्वांटिटी, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास के बाय सिक्स माइनस फोर पाए वाई स्क्वायर बाय सिक्स प्लस इंटू माइनस माइनस, आप इसको कैंसिल कर दें चाहे ये तो रख लें, अभी देख लेते हैं। फोर पाए ये क्या होगा, फोर पाए वाई बाय सिक्स और इंटू वाई, तो ये हो जाएगा फोर पाए वाई स्क्वायर बाय सिक्स होल अपॉन आएगा आपके पास रूट ओवर के माइनस फोर पाए वाई स्क्वायर बाय सिक्स, कंबाइन कर दिया, प्लस आपके पास वैल्यू है एट पाए वाई। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, रब कर देते हैं। y की ये वैल्यू अभी आपको यूज में आएगी, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। देखिएगा अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस टू पाए ब्रैकेट, क्योंकि इसका कैलकुलेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये आ जाएगा आपके पास k माइनस, ध्यान दीजिए आप, k माइनस आपके पास आ जाएगा ये फोर पाए वाई स्क्वायर, फोर पाए वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एट पाए वाई स्क्वायर और होल अपॉन क्या है आपके पास सिक्स है, तो ये होल अपॉन सिक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस फोर पाए वाई स्क्वायर बाय सिक्स प्लस एट पाए वाई, ये दोस्तों वैल्यू है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर दें और ज़्यादा, फिर उसके बाद हम y का ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो देखिएगा क्या आने वाला है आपके पास, माइनस टू पाए, ये देखिए ये रूट ओवर सिक्स है, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है और ये सिक्स के सिक्स स्क्वायर रूट से बाहर है, तो ये रूट सिक्स ऊपर जाएगा तो ये टू पाए रूट सिक्स और अपॉन में ये आ जाएगा आपके पास सिक्स ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस एट पाए। अब देखिए थोड़ा आसान लगेगा, के माइनस एट पाए वाई स्क्वायर अपॉन रूट ओवर के माइनस फोर पाए वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस एट पाए वाई। अब वाई का ये वैल्यू, तो एट y इज इक्वल टू रूट ओवर k अपॉन 24 प्लस 4 पाए, और हमें बताना है वॉल्यूम मिनिमम है, तो इसका मतलब ये वैल्यू रखने पे इसका वैल्यू पॉजिटिव लेकर के आना है। तो ये देखिएगा, तो माइनस टू पाए, ये रूट सिक्स से ये सिक्स कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट सिक्स ब्रैकेट ब्रैकेट में देखिएगा ब्रैकेट k माइनस, तो k माइनस एट अपॉन 24 प्लस 4 पाए होल अपॉन, पेशेंस से करिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे आप एकदम 100% आपका आंसर सही आएगा। k माइनस 4 पाए वैल्यू ऑफ y स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ y स्क्वायर k अपॉन 24 प्लस 4 पाए, ये है वैल्यू ऑफ y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 8 पाई इंटू वैल्यू ऑफ y विच इज रूट ओवर k अपॉन 24 प्लस 4 पाई, 24 प्लस 4 पाई। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ जा कर के मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ जा कर के मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आता है हमारे पास वो देखिएगा दोस्तों, माइनस टू पाए बाय रूट सिक्स, अब ब्रैकेट एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये के दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 24 से भी 4 पाए से भी, तो ये हो जाएगा 24 के प्लस 4 पाए के माइनस 8 पाए के होल अपॉन 24 प्लस 4 पाए, सेम अब डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन देख लीजिए,
तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ओवर ये, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 24 के एलसीएम के बाद प्लस 4 पाई के माइनस 4 पाई के, तो ये 4 पाई के 4 पाई के आप कैंसिल करना चाहते हो, डेफिनेटली यू नीड टू कैंसिल, कैंसिल कर दें आप इसको, और अपॉन में है 24 प्लस 4 पाई, उसको बिल्कुल ना भूलें प्लस। अब आपके पास आगे भी लिखा हुआ है 8.2 दैट वैल्यू, तो वो लिख देता हूं मैं, तो ये है आपके आगे पास में प्लस 8 पाई इंटू वैल्यू ऑफ y जो कि रूट के अपॉन 24 प्लस 4 पाई है। अब इसे थोड़ा कैलकुलेशन इसका ध्यान रखेंगे और आराम से कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा ये आपके पास है माइनस 2 पाई बाय रूट 6, करेक्ट, 24 के 4 पाई के में से 8 पाई के माइनस कर दिया, तो ये जाएगा 24 के माइनस 4 पाई के, क्लियर, होल अपॉन है 24 प्लस 4 पाई इंटू दिस, क्योंकि ये जो अब अपॉन के अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये जो डिनोमिनेटर है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको ऊपर भेज देते हैं, रूट ये रूट के साथ जाएगा, तो ये जाएगा रूट ओवर 24 प्लस 4 पाई। इस वैल्यू को दोस्तों साइड में लिख देते हैं ताकि बार बार का ऑब्स्टेकल खत्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू रूट ओवर के अपॉन 24 प्लस 4 पाई, ये क्रिटिकल वैल्यू है जिस पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है, इस केस में मिनिमम है तो यहाँ मिनिमम होगा, तो इसके लिए इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान रखिएगा उस वैल्यू को। अब देखिए अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा आपके पास रूट ओवर 24 के, तो 24 के को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 24 के को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 6 के, तो 6 यहाँ रख दें आप, के यहाँ रख दें, और 2 इंटू 2 इंटू 2 तो वो बाहर निकाल लें आप, तो ये रूट 24 कैन बी रिटेन एज 2√6 के, ये 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर दें, प्लस 8 पाई के अपॉन 8 पाई सॉरी ये रूट के है, ये रूट 24 प्लस 4 पाई है। अब देखिएगा रूट 24 प्लस 4 पाई इसको कैंसिल करेगा तो क्या आएगा आपके पास, माइनस पाई बाय रूट 6, और इस रूट 6 को पास में ले आए आप, रूट 6 रूट के को अलग कर देते हैं, रूट 6 रूट के, ये ब्रैकेट में आ जाएगा 24 के माइनस 4 पाई के, और इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा रूट 24 प्लस 4 पाई प्लस 8 पाई रूट के अपॉन रूट ओवर 24 प्लस 4 पाई। अब देखिएगा इन रूट 6 इंटू रूट 6 विल बिकम व्हाट, रूट 6 इंटू रूट 6 आप जानते हैं कि रूट 6 इंटू रूट 6 6 हो जाएगा, तो इसमें से जो कॉमन आ सकता है तो दैट शुड बी टेकन कॉमन, उसे कॉमन ले लेना चाहिए, तो उसे कॉमन ले लेते हैं, देखिए तो कॉमन क्या क्या आ सकता है वो आप समझ ले कि कॉमन क्या क्या आ सकता है, तो पाई कैन बी टेकन कॉमन, पाई ले लीजिए, अपॉन में क्या कॉमन आ रहा है, रूट ओवर 24 प्लस 4 पाई ये कॉमन आ रहा है। अब नाउ द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो ब्रैकेट में आएगा यहाँ, तो एक तो माइनस रूट सिक्स विल बिकम 6, और ऊपर की जो वैल्यू है माइनस 24 माइनस 4 पाई के ये आएगा प्लस, तो प्लस इज देयर तो प्लस लिख दीजिए। अब इसमें से क्या कॉमन लिया हमने, पाई कॉमन लिया है,
और अपॉन में लिया है, तो हमारे पास यहाँ बचेगा दोस्तों एट रूट के। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर रूट के जो लिखना रह गया था ये लिख दिया रूट के, ये रूट के आ गया आपके पास। आप क्या करें आप, तो डेफिनेटली एलसीएम इज नीडेड नाउ, एलसीएम की ज़रूरत है तो एलसीएम ले लें। एलसीएम जब लेंगे तो देखना क्या होगा, बिल्कुल आप आसानी से देखते रहें, बहुत बढ़िया सवाल है, आपने महसूस कर लिया होगा टॉप ग्रेड प्रॉब्लम है। एक बार आप कर लेंगे तब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ये तो मैं समझाते हुए आपको कर रहा हूँ इसलिए ऐसा फील हो रहा होगा, तो नेवर माइंड। अब देखिएगा प्लस फोर पाए के जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम, आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। और ये सिक्स रूट के इंटू एट रूट के, तो सिक्स एट जा 48, रूट के इंटू रूट के विल बिकम के, और यहाँ पर देखिएगा -24 के था, ये के लिखना रह गया था तो के इधर आ गया आपके पास 24 के। अब -24 के प्लस दिस रूट ये 48 के, आप देखना बड़ा आसानी से करते हैं इसको, नेवर माइंड। तो क्या होगा, पाई अपॉन रूट ओवर 24 प्लस 4 पाई ब्रैकेट दिस -24 के और 48 के, तो ये हो जाएगा आपका 24 के प्लस ये हो जाएगा आपका 4 पाई के अपॉन में द डिनोमिनेटर विल हैव 6 रूट के। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, यू कैन सी इसमें से आपके पास आ सकता है पाई अपॉन रूट ओवर 24 प्लस 4 पाई, इसमें से कॉमन ले लें आपके तो के कॉमन लेंगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा 24 प्लस 4 पाई एंड डिनोमिनेटर विल हैव 6 रूट ओवर के, 6 रूट ओवर के, ये रूट के इसको कैंसिल कर देगा। तो जब ये रूट के इसको कैंसिल करेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिएगा बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपने महसूस कर लिया होगा, तो ये आपके पास आएगा पाई अपॉन 6 रूट के इसको कैंसिल कर देगा तो ये हो जाएगा रूट के, और रूट 24 प्लस 4 पाई इसको कैंसिल कर देगा तो ये आपके आ जाएगा रूट 24 प्लस 4 पाई विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। नाउ यू कैन एक्सपीरियंस दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर v is minimum at y is equal to root over k upon 24 plus 4 pi, ये v minimum है इस पॉइंट पर। पर हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था x is to 2y, तो इसका स्क्वायर करके देखते हैं, इसका स्क्वायर y square is equal to k upon 24 plus, अब हमारी सारी प्रॉब्लम दोस्तों खत्म हो गई, अब बहुत आसान काम है k upon this much, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा क्या आने वाला है। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24 y square plus 4 pi y square इज इक्वल टू के, 24 वाई स्क्वायर प्लस 4 पाई वाई स्क्वायर, और मैंने जैसा कहा था आपको के का वैल्यू, वो जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है वो 1 से अब इसका यूज होगा, तो वो वैल्यू है 6x स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हमने कहाँ से ली है वो लिख दीजिएगा, फ्रॉम 1 वी हैव कंसिडर्ड दिस वैल्यू 4 पाई वाई स्क्वायर, 4 पाई वाई स्क्वायर, 4 पाई वाई स्क्वायर कैन बी कैंसल्ड, ये हो जाएगा 24 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, 6 से आप इसको कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 6 पुरजा 24। अब क्या लिखें, अब आपके पास आ जाएगा 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज व्हाट, इट इंप्लाइज x अपॉन 2y, x अपॉन 2y होल स्क्वायर, 2y इधर ले लें आप इज इक्वल टू 1 विच इंप्लाइज x अपॉन 2y
इज इक्वल टू प्लस माइनस वन होगा, लेकिन बीइंग डिस्टेंसेस ये आएगा आपके पास प्लस वन, और वन को क्या लिख सकते हो, यू मे राइट वन अपॉन वन. देयरफॉर दिस इंप्लाइज एक्स इज टू टू वाई इज इक्वल टू वन इज टू वन. मीन्स रेडियस किसका, रेशियो ऑफ एज टू डायमीटर इज वन इज टू वन. तो दोस्तों ये था इसका आंसर कि एज रेशियो ऑफ एज टू द डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर इज वन इज टू वन. तो होपफुली आपको समझ में आया होगा. थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है तो ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करके करेंगे तो इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम. और मेरी हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ, आगे बढ़ें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएँ. विश यू ऑल द बेस्ट.